अगर बहुत पेन रहता है आपके घुटने में, आपके जॉइंट्स में, तो चलिए जानते हैं इसको हम दूर कैसे करें। आपको पता है कि आपकी किचन में वो जो मेथी दाने पड़े हैं उस डिब्बी के अंदर, उसके अंदर कितनी कमाल की चीज़ें हैं। ज़रा उसको निकालिए, उसे थोड़ी सी सौंठ और थोड़ी सी हल्दी के साथ मिलाइए। इसके बाद इसको मिलाकर पीस लीजिए। इस मिक्सचर को 2 चम्मच रोज़ सुबह खाइए और देखें इसको खाने के बाद गर्म पानी से पीकर कि आपका दर्द कहाँ जाता है। आपको बताती हूँ एक और इलाज। 1 चम्मच पिसी हुई मेथी दाने में आप 1 चम्मच कलौंजी, वो जो ब्लैक तिल से होते हैं ना, उसको मिलाएं। सुबह खाली पेट पानी के साथ इसको लें। आपका जोड़ों का दर्द जड़ से गायब हो जाएगा। और एक और उपाय बताती हूँ। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की गांठ, थोड़ा सा पिसा हुआ मेथी दाना और थोड़ा सा गुड़ इक्वल ले लीजिए। इसका एक लेप बनाएं, फिर इस पेस्ट को रात को सोने से पहले नीज पर लगाएं, पट्टी बांधें, सुबह पट्टी खोलकर क्लीन कर लें। इससे भी आपके जोड़ों का दर्द धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो जाएगा। आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर्स हर काम को शुरू करने से पहले नेगेटिव सोचते हैं, आप हर चीज़ को ना बोलते हैं, तो कई मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स का ये कारण होता है। नेगेटिव थिंकिंग जो है इंसान की चिंता और उसके डिप्रेशन को दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में अपनी चीज़ों को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को गवा देता है। कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं और नेगेटिव थिंकिंग से बचते हैं और इसको दूर भी करते हैं और जीवन को खुशहाल बनाते हैं। जिस भी बात को लेकर आप नेगेटिव सोचते हैं, आप परेशान होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं, फिर एक एक बात का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपके मन में इस चीज़ की नेगेटिविटी है कि अगर आप पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप एक दिन नेगेटिव सिचुएशन में आ जाएंगे, तो आप निकालें, इस चीज़ की लिस्ट बनाएं कि यहाँ पैसा खर्च करने से ये इम्पैक्ट होगा, यहाँ पैसा खर्च करने से ये इम्पैक्ट होगा। अब ये सब लिखने के बाद ये सोचें कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये रियलिस्टिक हैं भी या नहीं, मतलब ऐसा आपने किसी के साथ घटित होते हुए देखा है या सिर्फ आपके हवाई किले हैं। फिर इन नेगेटिव थॉट्स में से कुछ भी पॉजिटिव ढूंढें, जैसे अगर आप पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप ज़्यादा कमाने के बारे में भी सोचेंगे, आप ये भी सोचेंगे कि मनी मैनेजमेंट कैसे करें, आप ये भी सोचेंगे कि अब आप अपनी एनर्जी को और कैसे पैसा कमाने में लगाएं। तो अल्टरनेट थॉट ढूंढने की कोशिश करें, फिर नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में बात नहीं करें। इनके बारे में बात करने से आप इसी चक्रव्यूह में घिर कर रह जाते हैं, तो इन नेगेटिव बातों को आपकी सोचने से पावर मिलती है। जैसे किसी डेविल को आप अपनी सोच का खाना दे रहे हो, उसे खाना देना बंद करें। नेगेटिव थिंकिंग के समय खुद को ज़्यादा बिजी रखें, अपने स्किल्स, टैलेंट्स, अचीवमेंट्स के बारे में सोचें। नेगेटिव थिंकिंग के समय जीवन में कोई फैसला ना लें। जब तक आपके मन में गलत ख्याल, नेगेटिव ख्याल रहेंगे, तब तक आप हल नहीं ले पाएंगे, उसका आपको अपने ही डिसीजन का विश्वास नहीं मिल पाएगा। नेगेटिव थिंकिंग दूर कैसे करें? अपने हाथ पर, अपनी इंडेक्स फिंगर पर, यहाँ पर एक पीले रंग का आप सर्कल बनाएं। ये पीला रंग आपके मस्तिष्क को, आपके माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग देगा। अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर में, क्योंकि लेफ्ट हैंड आपके सीधे दिमाग को कंट्रोल करता है जो कि क्रिएटिव है, तो अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर में एक लाल स्वास्तिक बनाएं, रोज़ बना कर रखें, बस आपकी नेगेटिव थिंकिंग जड़ से गायब हो जाएगी।